यात्रा में शामिल हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और समस्त जिले के ब्लॉक के और पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता इस पद यात्रा में आए हैं, सभी को मैं सादर स्नेह जाहिर करता हूं। साथ में जो इस युवा शक्ति जिनका नेतृत्व हमारे बिलासपुर से रायपुर तक हमारे युवा के प्रभाग के अध्यक्ष प्रभु जगत जी जो संभाले हुए, सभी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान इस पद यात्रा में रहा है। मैं सभी युवाओं को, युवा शक्ति को सादर सेवा जाहिर करता हूँ। साथ में नाच शक्तियों को भी साथियों, आज हम पैसा कानून का जो 24 दिसंबर को जो लागू किया गया था, उसी दिवस पर हम यहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र के संरक्षिका दूसरी अनुसूचना उनके भी जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के, जिसके जिम्मे पूरे ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के लोगों का को संरक्षण और उनके हक अधिकार दिलाने का जिम्मेदारी है, साथ में जो राज्य सरकार को। लेकिन साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसके बाद 2018 में कांग्रेस की जो बघेल की सरकार बनी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र में ये बात एकदम स्पष्ट अक्षरों से लिखा था और कि हम पेशा का अनुसूचित क्षेत्र में अक्षर से पालन करेंगे। वन अधिकार अधिनियम जो कानून है, जिसमें हमने व्यक्तिगत पट्टा और सामूहिक पट्टा देने की जो बात है, उसको भी हम पूर्णतः पालन करते हुए लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। साथ में हम अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी अधिकार हमको मिला है, वो काम को पूर्णतः परिपालन करेंगे। लेकिन जैसे सरकार में बैठने के बाद 3 साल गुजर गया, लेकिन बघेल की सरकार इस पर एक कदम भी आगे नहीं चल रही है। साथियों, यहाँ पर मात्र ये लोग क्या कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे और यूपी चुनाव में बिजी है। साथियों, कोरोना काल में गुजरने के बाद 2 साल से जो पूरा देश कोरोना काल से गुजरा है, इसमें ना आप सभी लोगों से है कि आप जिला अध्यक्ष के माध्यम से मंच के साइड में हमारे जो पदाधिकारी वहां से समस्या जो भी आवेदन होगा उसको देने का काम करेंगे कि जो सरकार है, इस सरकार को भी हम बताना चाहते हैं कि जो हक अधिकार हमको मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं। इसी को लेकर माटी सत्याग्रह में जो हमारे राष्ट्र कमेटी के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि हमको जो विभिन्न समस्याएं हैं और जो खनिज संपदा पर जो हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, ग्राम सभा की बिना अनुमति का, ये छत्तीसगढ़ को पूरा कॉर्पोरेट घरानों का नगर है, जिसमें केंद्र सरकार और यहाँ की जो राज्य सरकार है दोनों की मिली भगत से जो खनिज संपदा छत्तीसगढ़ में, चाहे कोयला हो, हीरा हो, चाहे जो भी खनिज संपदा हो, सभी खनिज संपदाओं से जो युद्ध दृष्टि पूंजीपतियों का कॉर्पोरेट घरानों का है, इसका विरोध छत्तीसगढ़ की जो में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर रही है। साथियों, कि जिसका खनिज उसी को वहां का हक अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जमीन है और जमीन में जो खनिज है उसका अधिकार उनको मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हुआ नहीं। चाहे वो रायगढ़ का बात हो या फिर सरगुजा या बस्तर में, जो गिद्ध दृष्टि कॉर्पोरेट घराने का हमारे जो जमीन के नीचे, जो इस अमीर धरती के जो लोग, हम लोगों के नीचे जो खरबों की जो संपत्ति है, उससे इनका नजर है। इसको जो सरकार है जो चाहती है, क्योंकि पेशा में ये बात एकदम स्पष्ट है कि जो ग्राम सभा के बिना, ग्राम सभा की बिना अनुमति का कोई भी सरकार कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ पर कांग्रेस के जो षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत हमारे गांव में जाकर लोगों को प्रलोभन देकर फर्जी ग्राम सभा करा के ये करवाकर जमा कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारे गांव में जो भूमि अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। साथियों,
ये काम नहीं होना चाहिए। कौन सा पैसा में हमको ये बात एकदम क्लियर है कि न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्रामसभा, लोकसभा न विधानसभा, लोकसभा न विधानसभा। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा पर छत्तीसगढ़ियों का अधिकार होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा पर, छत्तीसगढ़ के खनिज संपदाओं पर। साथियों, ये जो हक अधिकार की जो बात है, ये सरकार सभी क्षेत्रों में खेल है। चाहे वो हमारे हक अधिकार की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें। हम लोगों ने जो शिक्षा, जो शिक्षक हमारे जो लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे बच्चों के लिए गांव में नियुक्त किए गए हैं, तो वहां पर ये कुछ दिनों से लगातार यहां खड़े हैं। हम 20 मंच के माध्यम से उनका जो वेतन विसंगति है उसको ये जो मांग है उसको समर्थन करती है गोमाना गठबंधन पार्टी। हमारा काम है कि भाई हम शिक्षा व्यवस्था भी हमारे स्मार्ट होना चाहिए। सिटी स्मार्ट बनाने के लिए मोदी ही चले हैं, लेकिन गोरवाना गठबंधन पार्टी है चाहती है कि गांव भी हमारा स्मार्ट हो, खेत स्मार्ट हो, और हमारे बच्चे भी स्मार्ट हो, और हमारे जो टीचर भी स्मार्ट बने रहने चाहिए। तभी तो होगा भैया शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, होगा क्यों नहीं होगा। तो हम स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उनका ट्रेनिंग भी देंगे और उनका जो मान है, जो विसंगति है, उसको भी खत्म करने का काम गोरवाना गठबंधन पार्टी करेगी। साथियों, यदि ये सरकार नहीं मानती है, इस तरह का जो व्यवस्था सरकार का पूरे क्षेत्रों में फेल है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में भी वही स्थिति है कि हम कहते हैं भैया 5 लाख का स्मार्ट कार्ड लोग बनाए हुए हैं, उसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। हम जिला मुख्यालय में अगर लेके जाते हैं कोई भी पेशेंट को, तो वो कहेगा भैया सीधे आप संभाग में ले जाओ, रायपुर ले जाओ। इस स्थिति में ऐसा हो जाता है कि हमको रिफर करते ही हम लोग का पेशेंट बीच में ही खत्म हो जाता है। ये स्थिति बनी हुई है। शिक्षा भी खत्म है इनका, स्वास्थ्य भी खत्म है, और जो हक अधिकार है वो तो रोडों की स्थिति जो गाँव में, वहां पर भी कमीशन खोरी है, पंचायतों में भी वो स्थिति है। साथियों, ये पूरे समस्याओं को लेकर हम आज रायपुर आए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर काफी संख्या में उत्साह के साथ शामिल हुआ है, क्योंकि हम 2023 में साथियों इनको ये बता देना चाहते हैं कि सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। साथियों, 2023 में के लिए आप सभी लोग तैयार हैं, तैयार है कि नहीं है। इस बार रायपुर के जो कुर्सी में जो बैठेगा, जो हमारा प्रथम सेवा करने के लिए जो रहेगा, हमारा जो मुख्यमंत्री किस कहना है होना चाहिए, गोरवाना गठबंधन पार्टी का होना चाहिए। तो सभी लोग कोरबा की गाड़ी जो सभापति लिखा हुआ है, उनकी गाड़ी जो खड़ी है उनको थोड़ा साइड में करवा देंगे। कोरबा की गाड़ी है, उनसे निजी द्वारा एवं ठीक धन्यवाद। तो साथियों, हमको मिशन 2023 के लिए तैयार होना है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, तो बघेल की सरकार है, आपके समस्याओं से आपको मतलब नहीं है। उनको ये अपना कुर्सी बचाने के लिए रायपुर के आपका उत्तर प्रदेश के चुनाव में लीजिए, वहां सरकार बनाने जा रही है। पैसा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तो ऐसे पार्टियों को हमको इस बार 2023 में सबक सिखाना है कि हमारा जो भाग्य कहाँ, दिल्ली से नहीं होगा, कहाँ से होगा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का भाग्य कब लिखेंगे? छत्तीसगढ़ से ही लिखेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और सभी हमारे राष्ट्र के पदाधिकारी और प्रदेश के सभी मोर्चा के पदाधिकारी, जीओसी छात्र संगठन के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी मातृशक्ति प्रकोष्ठ के सभी लोगों को मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी को मैं पुनः सादर सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय खड़ापे।